आप पहले इधर के रोड के हालत देखो थोड़ा, ऑटो वगैरह जो चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, आपने देख लिया? तो भैया हाल कुछ इधर का ऐसा है, मैंने जैसा दिखाया आप लोग को, आज फिलहाल आप लोग को वसंत नगर के पास में ना रेस कोर्स है, मैं वो दिखाने वाला हूँ। काफ़ी बढ़िया जगह है, तो अभी देखो फ्री भी है और मुझे थोड़ा टाइम भी मिला है, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। और एक बात, वसंत नगर अभी भी रेड जोन में है, बेंगलोर के बहुत एरिया रेड जोन होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं, प्रॉब्लम जो है बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन है। मेरे पास मास्क है, अभी मैं निकाला हूँ, जस्ट बैठा हूँ इधर बस स्टैंड के पास में, देख लो, और इधर खाली है, कोई है नहीं, तो इसलिए निकाल के बैठा हूँ थोड़ी दूरी, क्योंकि जिस चीज़ को मैं छूता हूँ, मेरे पास सैनिटाइज़र है, मैं अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए भाई लोग। तो अभी मैं सोच रहा हूँ चलूँ और आप लोग को बढ़िया चीज़ दिखाऊँ। हाँ, धूप भी बहुत अच्छी है, वैसे लग नहीं रही, हवा चल रहा है इसलिए धूप नहीं लग रहा है। और वसंत नगर एरिया में तो पैसा वाला लोग रहते हैं भाई, साफ़ सफाई इस लेवल की है, देख सकते हो, क्या बोलने के लायक ही नहीं है। और बाकी तो सब बढ़िया। बरगद के पेड़ हैं क्या ये? आपको इधर से दिखाता हूँ मैं, रुको, इसको बिग बनियान बोलते हैं अंग्रेजी में शायद। ये देखो रोड के पास लटके हुए हैं, ये जो मेरे पीछे खाली जगह दिख रहा है ना, ये जो मैंने बरगद का पेड़ दिखाया, उधर कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है, बहुत बड़ा यार, साला बोर्ड पे ना सिक्योरिटी गार्ड है, तो अंदर हम नहीं जा सकते इसलिए। और भाई नज़ारा मैं दिखाता हूँ कितना बढ़िया है, आप ये देखो, ये जो इधर है ये प्रेस्टीज ग्रुप का कोई ऑफिस वगैरह है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है यार। यार मास्क मेरा ना सेट नहीं होता, अभी मुझे लग रहा है ना ये चेंज ही करना पड़ेगा। फिलहाल ये रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, देख रहे हो, और हम अब चढ़ेंगे अभी देखो इस ब्रिज पे। अभी यहाँ पे मैं अकेला ही चल रहा हूँ और कोई तो नहीं दिख रहा, अभी मास्क निकाल सकते हैं। देखो मास्क आप उस जगह पहनो, ऐसा बताते हैं लोग, जहाँ पे भीड़ भाड़ हो आप ऐसी जगहों पे मास्क ना भी पहनोगे चलेगा, बट अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहो, क्योंकि किस में वायरस है, किस चीज़ में किसको किसने टच किया है नहीं पता है ना, इसलिए इन सब चीज़ों में को छूने के बाद आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अरे भगवान, साला कितना ऊंचाई से कितना डर लगता है यार। इधर देखो गाड़ियां आ जा रही हैं और ये एकदम खुला है, मैं अकेला हूँ और यहाँ पे कोई नहीं है। वैसे अच्छा लगता है अकेले घूमने में मुझे, जब कोई ना हो, और अभी कोरोना वायरस है तो और अकेले घूमने में अच्छा लगता है, काफ़ी बढ़िया। वैसे मैं चल रहा हूँ अभी रेस कोर्स के पास में, कुछ ही दूर है बचा है फिलहाल मुझे, ये एक रास्ता है और इधर एक रास्ता है, तो मैं इधर जाने वाला हूँ, इधर नहीं इस साइड उतरूँगा, तो मैं इधर से ही चलता हूँ। हाँ तो तुम्हारा भैया इधर से चलेगा। ओहो, ये गाड़ियाँ नीचे चलती है ना, और डर लगता है मुझे ऊपर से, अगर गाड़ियाँ नहीं रहती ना तो थोड़ा डर जो है कम लगता था। फिलहाल ये ओवरब्रिज इसलिए बना है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को रोड पार करने काफ़ी असुविधा होती है, तो ये ओवरब्रिज लोगों की मदद करता है रोड पार करने में, उसके लिए ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं लगता है। वैसे बनाया गया है, देखो बारिश में भी आप इस पर आ जा सकते हो, या फिर अगर बारिश हो रही है कहीं आपको रुकने का जगह नहीं है तो यहाँ पे आके आप रुक सकते हो, ये एक बढ़िया चीज़ है इधर के लिए।
फिलहाल मैं फिर निकल दिया हूँ, ये बस स्टैंड पीछे दिखा, मैं थोड़ा देर वहाँ पे रेस्ट किया, उसके बाद डायरेक्ट निकला और ये इधर प्रेस्टीज ग्रुप का ऑफिस है। और कुछ खास तो नहीं है, भैया गर्मी लगती है थोड़ा दूर, आप जब पैदल चल लोगे ना उसके बाद गर्मी लगेगी। लोग अभी तो गाड़ी में भी एसी लगा के बैठते हैं, जहाँ खड़ी करते हैं गाड़ी, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा हो रेड कलर की दिख रही है ना कार वहाँ पे। ये जो है आपको पेड़ दिख रहा है उसके पीछे ही रेस कोर्स है, एक्चुअली पूरा बंद है, मैं देखता हूँ आगे क्या दिखाने के लिए मिलता है। ये देखो पेड़ सब दिख रहा है ना, इधर बहुत ठंडा है इसलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ और वातावरण को शुद्ध करो, और छांव भी मिलती है हम लोग को रेस्ट वेस्ट करने के लिए। इधर ये देख सकते हो पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं यार, वैसे अच्छा लगता है ये सारी ग्रीनरी देख के दिल खुश हो जाता है। इंसान थोड़ा टेंशन में हो ना, ऐसी जगहों पे आने पे बहुत रिलीफ मिलता है। वैसे रेस कोर्स तो वहाँ पे फ़ोटो लेना और वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो मैं रोड इस पार से थोड़ी वीडियो आप लोग के लिए लिया हूँ, वही दिखाऊंगा, आप लोग वही देख लीजिए। अगर मुझे इंटरनेट पे कोई फ़ोटोज मिलता है मैं आपको उसमें ऐड करूँगा दिखाने के लिए, मिलता है तो। फिलहाल ये स्माइल कर रही है मैडम, ये बस स्टैंड है इधर ही बैठा हूँ, ये देख लो, ये देखो ताज है, ताज होटल बेंगलोर का, और ये रेस कोर्स के अपोजिट में ही है। ये देख सकते हो वीडियो में, उस चौक पे घोड़ा है उसकी मूर्ति यानी स्टैचू बना हुआ है, और वहाँ पे एक राजा का स्टैचू बना हुआ है यानी कि उनकी एक प्रतिमा है, और वही दर्शाता है इस रेस कोर्स को। फिलहाल पीछे गाड़ियाँ कुछ, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक ये एरिया है, अभी फ़िलहाल लॉकडाउन है ना तो इसलिए भीड़ कम है। और एक चीज़ क्या है पता है इधर का मुझे, अभी ट्रैफिक कम हो गया है, पहले इस एरिया में इधर मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, आने में बहुत डर लगता था, इतनी ट्रैफिक रहेगी यार कैसे जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता है क्या उधर से निकल जाएंगे, इतना ट्रैफिक रहता था इधर में। और ये देखो ताज होटल है, ताज होटल में पूरा पेड़ वेड़ ही लगाए हैं और फूल उल भी है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे रोकूं, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब करके ही जाना अगली वीडियो के लिए। और हाँ अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो हमको, और हाँ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ का अगर आपके कुछ और पर्सनल क्वेश्चन है तो वहाँ पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।